रहे हैं हमारे नगर के युवा, आप लोगों से एक अनुरोध है कि अब अपने उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव में जाने की सरकार से जो हमारी मांगे हैं, आप लोगों की मांगे हैं, भावा में ट्रामा सेंटर हो, आपकी मांग बेहद वाजिब है, नगर के लिए बेहद अनिवार्य है, बीमार सब पड़ते हैं, सबको जरूरत है, लेकिन इस समय आचार संहिता लग चुकी है, तो हम आप सभी लोगों से, युवाओं से अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपनी इस जिद को छोड़ करके, आपकी जिद वाजिब है, हम सभी लोगों को प्रेरणा मिलती है आप लोगों से। आज की हमारे युवा इतना महोवा के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब समय हमारे अनुकूल नहीं है, महोवा के अनुकूल नहीं है, क्योंकि आचार संहिता में कोई काम होना नहीं है, कड़कड़ाहट की ठंड है, बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, इस बीच में हम आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप अपनी जिद छोड़ करके जनहित की मांग को स्थगित करने का काम करें, और जब पुनः सरकार बन जाएगी तो आपकी इस मांग को, आपके साथ साथ नगरवासी इस आंदोलन को गति देने का काम करेंगे। अभी स्थगित कर देना महोबा के हित में है, सबके हित में है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो चाहेंगे अनुरोध करें युवा आंदोलन समाप्त कर दें। समाप्त नहीं किया जा रहा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी सरकारें हैं, वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो, बीएसपी की हो, कांग्रेस की हो या अन्य पार्टी है, कोई भी हो, हम दोबारा इस लड़ाई को दोबारा चालू करेंगे, लेकिन इसको कुछ दिनों के लिए है ना, चुनाव को देखते हुए धारा 44 लगी है, तो ज़्यादा लोग हमारे साथ नहीं दे सकते, इसकी वजह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी है, माफ़ी मांगेंगे आपसे कि हम फूल माला नहीं पहनेंगे, क्योंकि हम ये जंग अभी जीते नहीं है, ये जंग अभी चल रही है और इसको आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए इसको सिर्फ निकाल रहे हैं। अभी तो स्थगित कर रहे हैं ना, अभी इस कर गए हैं, तो हमारे युवा युवाओं का माल्यार्पण करा दिया जाएगा कि आप लोग अपने घर जाइए, आपका आयोजन स्थगित है, चूँकि आपका हम मानते हैं कि आप लीडर हैं, आपका वोट वाजिब है, हम नहीं कहते कि क्योंकि सफलता मिलती है उत्साह कुछ और होता है, सफलता नहीं मिली है, लेकिन एक सफलता मिली है कि महोबा का युवा आंदोलन करना सीख गया है, आपके नेतृत्व में आगे वाला आंदोलन बड़ा अच्छा होगा, और जब तक ट्रामा सेंटर नहीं मिलेगा आपका आंदोलन चलेगा चलेगा चलेगा, हम लोग आपको आशीर्वाद स्वरूप पर्दे के पीछे आपके साथ मिलेंगे, महोबा के नगरवासी होने के नाते, किसी दल के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, महोबा के हम पहले हैं, किसी दल के और वकील बाद में हैं, अनुरोध ये है कि आपकी कोई बात नहीं, अन्य लोग हैं वो माला पहन लेंगे, और आप कुछ भी करके इस आयोजन को साफ कराइएगा, और युवा दोस्त के साथ अपना घर जाएं, और आंदोलन को स्थगित किया है, चलिए जो सीनियर पहने जूनियर तो पहनाएंगे, जूनियर जाओ जाओ जाओ।
अनिश्चितकालीन हड़ताल बंद बंद काली बाजार यार भी अच्छी बात हो गई। अध्यक्ष मौलाना धनवंत कर वो पिला देंगे वो दे सत्य में जाते अध्यक्ष अपना अनशन खोलते वाह 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 माला नहीं पहन रहे। कड़क रात की ठंड में 37 दिन होने के बाद आज अधिवक्ता आपके पास हैं और कहा क्या समझाया कैसे आप माने? आज 37 दिन हो रहे हैं जो कि शासन ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी और हम लगातार 2400 घंटे आला चौक में अनिश्चितकालीन अनशन किए रहे हैं। घर परिवार छोड़कर ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी ना बरसात देखी और आम जनमानस के लिए एक ही आवाज़ उठाई कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए। 200 बेड का ट्रामा सेंटर यहां बहुत ज़रूरी है। लाखों करोड़ों लोग बजट जाता है यहां से कबरई से लेकिन इन सब ने हमारी बात ना सुनी। तो जब 37 दिन हो रहे हैं तो इसी बीच 36वें दिन आचार संहिता लग गई। शासन जो था वो ख़त्म हो चुका है। फिर शासन अब ये काम हमारा नहीं करा सकता है लेकिन इस अनशन को हम खत्म नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन के लिए टाल रहे हैं लेकिन अब जब भी आएंगे और ताकत के साथ आएंगे और दिखा देंगे कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं हमें चाहिए है और हम लेकर रहेंगे। लेकिन अभी हम एक कदम पीछे हटे हैं। आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटाना पड़ता है। हमने भी बड़े बुजुर्गों से सीखा है लेकिन हम आगे बढ़ेंगे ज़रूर। लेकिन समय लगेगा लेकिन कुछ समय तक के लिए जो भी पार्टियां आएंगी या किसी की भी सरकार बने एक बार फिर से हम ये अनशन चालू करेंगे और फिर से अपना आंदोलन को तेज करेंगे। कड़कड़ाती ठंड में अब आप घर जा रहे हैं, क्या अपील करके जा रहे हैं और क्या कहते जा रहे हैं आवाम से? मैं सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमारे एक माह 7 दिन का जो अनशन चला इसको बखूबी कवरेज किया और अपने माध्यम से जितना अच्छा हो सकता था उन्होंने किया। आज मुझे बड़ा ही दुख और हृदय में बहुत ही पीड़ा है कि हम महोबा के नगर के लिए जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए और हमने इतने दिन तक अनशन किया। हमें उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि यहाँ की जनता जागरूक हो जाए तो ऐसा भी नहीं हुआ। हमारे लोग उतने जागरूक नहीं हो पाए और हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी हमारी सुध नहीं ली और अब आचार संहिता के चलते हुए संविधान के नियमों को देखते हुए हमें अपना अनशन स्थगित करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चाहे जिस पार्टी की सरकार हो चाहे जिस दल का मुख्यमंत्री हो हम दोबारा से नए जोश के साथ आएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे और तब तक रखते रहेंगे जब तक नगर के अंदर हम स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त और दुरुस्त और 200 बेड का एक आधुनिक अस्पताल नहीं ला पाते क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है और यह सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य अपने नगर अपने प्रदेश हर गाँव हर ज़िले में पहुँचाए। दिनों से युवाओं का जोश दिखाई दिया जी और आज अचानक आप पहुंचे हैं, क्या समझाने की कोशिश की गई और किस तरीके से स्थगित हो गया अनशन? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय मौसम ठीक नहीं है, कड़ाके की सर्दी है, इनकी मांग जायज़ है और आचार संहिता लग गई है। इस तरीके से हम इनको समझा रहे हैं कि आप अपना अनशन स्थगित कर दें और आगे वाले समय में हम अधिवक्तागण इनका साथ देंगे और बड़े जोश के साथ इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इनसे हम निवेदन अपने साथियों बच्चों से कर रहे हैं कि आज ये अपने अनशन के बारे में विचार करें और अनशन अपना कुछ दिन के लिए स्थगित कर दें। बच्चों ने आपकी बात मानी, युवाओं ने आपकी बात मानी? युवाओं ने हमारी बात मानी है और वो जो है हमारी बात पर जो है सहमत हो गए हैं। आज ये कुछ दिन के लिए अनशन स्थगित कर रहे हैं। हम सब महोबा जनपद के साथ ही अधिवक्ता इनके साथ कदम से कदम मिलाकर इनके आंदोलन को सफल बनाएंगे।